निर्देशक रोहित शेट्टी की बात करें तो उनकी फिल्म सूर्यवंशी का जब से ऐलान हुआ है तब से ही अक्षय कुमार के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस फिल्म के प्रति। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सूर्यवंशी फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार वीर एटीएस अफसर वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ महीने पहले इस फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हुआ था जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार लग रहा था, लेकिन बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस के तौर पर अभी भी नाम खोजा जा रहा था और अभी भी इस फिल्म की एक्ट्रेस पर माथापच्ची की जा रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस का नाम फाइनल हो चुका है और वो कोई और नहीं कैटरीना कैफ ही है। जी हां, लेकिन लंबे समय से कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े के नाम पर जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन आखिरकार कैटरीना कैफ को फिल्म सूर्यवंशी के लिए फाइनल कर लिया गया है, जिस बात का ऐलान खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी किया है। अक्षय कुमार ने सूर्यवंशी गर्ल कैटरीना कैफ का स्वागत करते हुए एक फोटो शेयर की है, जिस फोटो में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ, रोहित शेट्टी और करण जौहर नजर आ रहे हैं। वही जानकारों का कहना है कि फिल्म में कैटरीना कैफ भी कड़क पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई देने वाली है, लेकिन इस बात की भी पक्की पुष्टि नहीं हो पाई कि कैटरीना कैफ का फिल्म सूर्यवंशी में क्या किरदार होने वाला है। बीते कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि जब ये ऑफर कैटरीना कैफ को मिला तो उन्होंने इस फिल्म को इसलिए करने से मना कर दिया था कि उनका इस फिल्म में छोटा सा रोल है, लेकिन बाद में पता चला ये महज सिर्फ अफवाह थी। कैटरीना कैफ ने फिल्म सूर्यवंशी को हाँ कर दी है और इस बात का ऐलान अब मेकर्स भी कर चुके हैं और इस बात में कोई शक नहीं है, जब ये फिल्म ईद 2020 के मौके पर रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है ये फिल्म धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों आपकी एक एक्साइटमेंट है फिल्म सूर्यवंशी को लेकर और एक बार फिर से अक्षय और कैटरीना की जोड़ी किसी बड़ी फिल्म में दर्शकों के बीच पेश होने वाली है, इस बात पर आपको क्या कहना है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।